अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी तक ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे ड्रिफ्ट ब्लास्ट ही पढ़ा, व्हाट इज ड्रिफ्ट ब्लास्ट, और ये इम्पॉर्टेंट है नीट आईआईटी सीबीएसई बोर्ड के लिए, एसएससी बोर्ड के लिए, एयरफोर्स इंटीग्रेट टीजीटी एंड के लिए। और हम करेंट टेस्ट ही पढ़ रहे थे और इसमें ड्रिफ्ट ब्लास्ट की वीडी फाइंड किए थे, व्हाट इज ड्रिफ्ट ब्लास्ट की वीडी ए टू टाउ, ये हम लोग लास्ट टाउ ने फाइंड किया। अब हम डालेंगे मोबिलिटी, मिलेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो पहले हम लोग आपको लिखना तो है नहीं, समझना है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं बच्चा, म्यू से। और जो म्यू होता है इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोलते हैं, और म्यू को बोलते हैं दर इज सिंपली मोबिलिटी, क्या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट ब्लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है क्या बताएगा, जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट ब्लास्ट, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो म्यू इक्वल ड्रिफ्ट ब्लास्ट को वीडी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी है म्यू इक्वल टू वीडी बाई यू, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि म्यू इक्वल क्या होता है, वीडी म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट ब्लास्ट यानी कि ए टाउ। और बच्चा समझेगा ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो ई की वैल्यू होती है ई कल क्या होता है बच्चा, एम अपान क्यू ना, एम अपान क्यू, ठीक है ना। तो और एफ इक्वल क्या होता है बच्चा, एफ इक्वल होता है एम ए, क्या होता है एम ए अपान क्यू, ठीक है ना, एम ए बाई क्यू फोर्स इक्वल होता है हमें। तो यहाँ पर ई की जगह रखेंगे एम ए वाई क्यू, ऐसे ए कैंसिल कर देंगे, तो एक तो फार्मूला यही हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का, और एक फार्मूला क्या होगा म्यू इक्वल क्यू इंटू टाउ अपान एम, क्या आएगा क्यू टाउ अपान एम। अब इसकी यूनिट यहाँ से आएगी, देखिए ब्लास्टिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बोलिए न्यूटन पर कूलम, क्या होती है न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा, मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, या जिसकी हम लोग डायमेंशन की बात करें तो मास क्या होगा एम होगा, चार्ज क्या होगा एटी होगा, अपॉन न्यूटन क्या होगा एम एल टी माइनस टू, और टाइम की टी होगी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल इनवर्स टी पावर टू प्लस का पहुंच जाएगा, और ए ये डायमेंशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और म्यू इक्वल टू क्यू टाउ अपॉन एम, इस तरह नोट करिए बच्चों। देखो मीटर की डायमेंशन क्या होती है, यार होती है क्या होती है मीटर डायमेंशन क्या होती है, अभी मिस्टेक है सिली मिस्टेक, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल का वो कितना जाएगा जीरो, और एम बचेगा नीचे वाला, एम का क्या हो जाएगा एम इनवर्स एल पावर जीरो टू पावर टू ए। देखो जरा सा ध्यान भटकेगा तो काम तमाम हो जाएगा,
ये मीटर मीटर था, मीटर की डायमेंशन क्या होती है यार, होती है ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, क्या है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब इंडिया लिखा रिलेशन बिटवीन करेंट एंड डिप डेवलपमेंट, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड डिप डेवलपमेंट, अच्छा समझिएगा। अभी हम लोग पढ़े थे ध्यान दीजिए, ये लिया कि मेटल्स ले लिया, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं मोशन कर रहे हैं, इसकी ट्रांसलेशन एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, और इसमें जब पोटेंशियल देंगे तो इसमें आई करेंट पास होगा, करंट करंट पास होगा आई, कब पोटेंशियल देने का, करंट क्या होता है पोटेंशियल क्या होता है इसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब सेकेंड इसका सेकेंड लेक्चर है, तो इसमें देखिएगा जब हम रिलेशन फाइंड करना है करेंट एंड डिप का, तो सभी को पता है कि जो करेंट होता है वो क्या होता है क्यू बाई टी, पर ये कहेंगे द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम पीरियड कॉल्ड करेंट, बच्चा द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम पीरियड कॉल्ड करेंट। अब हम करेंट फाइंड करें पर यूनिट चार्ज, करेंट करेंट पर बायनो चार्ज, मतलब एक बार चार्ज में कितना करंट होगा, आई इक्वल क्या आएगा क्योंकि वैल्यू एन ई, एन ई और बैलून को क्या लिखेंगे ए एल, ये बात पता ही बच्चा बैलून क्या लिख दिया ए एल और टी लिखा अपान, और हम लोगों ने ब्लास्टी का फार्मूला पढ़ा है बी डी क्यूल क्या था लेंथ अपान टाइम, ब्लास्टी क्यूल क्या होता है लेंथ अपान टाइम। अब पी टी कह दिया ब्लास्टी है ये भी, तो आई कल क्या जाएगा एन ई ए बी डी, क्या आएगा एन ई ए बी डी, ये रिलेशन हो गया करेंट पर वैल्यू चार्ज, इसका रिलेशन हो गया करेंट पर वैल्यू चार्ज आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, बस है ना एन ई ए बी डी। अब हम लोग बात करते हैं करेंट डेंसिटी, देखो बच्चा करेंट डेंसिटी किसकी बात करेंगे, करेंट डेंसिटी समझ लो बात लिखना अपना, देखिएगा इसी में करेंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे जे से, और करेंट डेंसिटी क्या होता है द रेशियो ऑफ करेंट पर एरिया पर यूनिट एरिया, द रेशियो ऑफ करेंट पर यूनिट एरिया कॉल्ड करेंट डेंसिटी। इसके लिए हम यूनिट की बात कर लें तो वाट इज यूनिट, यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये एम्पियर है बच्चा। अगर डायमेंशन बात करेंगे एम्पियर की ए मीटर स्क्वायर की एल, तो डायमेंशन हो जाएगी ए एल की पावर माइनस, तो ये करंट डेंसिटी की डायमेंशन होगी और ये यूनिट होगी, ठीक है ना, दिस इज द डायमेंशन। ठीक, अब हम इसी में बात कर लें कि करंट क्या होता है, तो करंट के बारे में और ड्रिप डेवलपमेंट के बारे में पता है, तो देखिएगा जे इक्वल क्या आएगा एम ई ए वी डी अपान ए, तो ए से कैंसिल कर देंगे तो वाट इज जे की वैल्यू आएगी एम ई वी डी, तो ये हमारा आएगा ड्रिप डेवलपमेंट, क्या आएगा बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट डेंसिटी, क्या है ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन, ठीक है ना। देखिएगा बच्चा एक तो करंट डेंसिटी का आया जे इक्वल टू, तो करंट डेंसिटी क्या आया पहले आया था जे इक्वल आई बाय ए, ठीक है, सीधा सीधा करंट दिया गया एरिया दिया गया यूज कर देंगे, यदि दिया हो एन ई बी डी के टर्म में तो करंट डेंसिटी ये आएगा, ठीक है,
अब हम लोगों ने ये पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होती है वो क्या होता है, वी डी वाई ई होता है, होता ही होता है। तो वी डी का बच्चा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई हो जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे मिल सकता है, तो जे की जगह यहाँ पर पढ़ देंगे एम ई म्यू ई, क्या एम ई म्यू ई, तो करंट डेंसिटी हमारे पास ही हो जाएगा। ठीक है, क्या जे इक्वल टू एम ई म्यू ई, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम लोग बात कर लें इसी में कि जो सरफेस है वो किसी एंगल पे रखा हो एरिया में और करंट में कोई एंगल हो, मतलब ये जो सरफेस था ये ऐसे रखा तो इसके बीच एंगल थीटा बनेगा, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, जे इक्वल टू आई वाई ए कॉस थीटा। इस सरफेस में और फ्लोइंग करंट के बीच में एंगल होगा जे इक्वल टू आई वाई ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार ये हमारे पास करंट डेंसिटी था। अब इसके न्यूमेरिकल देखिए, होगा एक कंडक्टर में जो करंट है वो गिवन है 10 एम्पियर, ठीक है ना। क्वेश्चन है आ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू पावर माइनस 4 मीटर का। क्रॉस सेक्शन ए की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। आगे बोल रहा है इफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बी 9 to the power 28, मीन्स नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू गिवन है 9 into 10 to the power 28, ठीक है ना, पर मीटर क्यूब। और बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा बहुत सिंपल है, आई इक्वल क्या होता है, आई इक्वल होता है हमारे पास एन ई ए वी डी। तो वाट इज वी डी, वी डी इक्वल टू आई वाई एन ई ए, तो वी डी इक्वल आई की वैल्यू 10 एम्पियर, एन की वैल्यू 9 into 10 to the power 28, इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1.6 10 to the power 19, और एरिया कितना है 10 to the power minus 4। देखो 19 और 4 23, 28 से 23 लेस करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, 28 से 23 लेस करेंगे तो व्हाट इज वी डी, 10 upon 9 into 10 to the power, अच्छा 1.6 into 10 to the power 28 से 23 लेस करेंगे 5 आएगा, ठीक है ना, 5 जाएगा ऊपर और ये पावर 1 पहले से है, 1 minus 5, तो 9 into 1.6, तो आर्ट इज बी डी 10 to the power minus 4 upon 9 into 16 नंबर कितना होता है 69 का 144 कितना होता है 144 या पॉइंट लगा देंगे 1.44, ठीक है ना। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना है, इसको लिखते 10 into 10 to the power minus 5 अपनी तरफ से, और यहाँ से पॉइंट उड़ाया तो ऊपर एक और जीरो, देखो 10 इससे ले लिया माइनस 4 था, 10 इससे पॉइंट उड़ा दिया तो अपान कितना है 144, ठीक है ना। आप 144 से 100 में डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी इसको 8 टाइम करते हैं, 8 by 32 or 35, 8 3 11 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 टाइम जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0.7 into 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर। बस बच्चा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।